वो वस्तुतः भगवान शंकर का ही है, और उनकी प्रतिमा के रूप में जो पूजी जाती है, लिंग का मतलब होता आकार, जो शिव के आकार में है उसकी पूजा होती है। और उसमें ये कह रहे थे कि मुसलमान जो भी प्रकार के आरोप लगा रहे थे, उसको जब सर्वे हो जाएगा, उसका परीक्षण हो जाएगा कि वास्तविकता में ये है क्या, तो वह निर्णय कोर्ट को निर्णय करने के लिए बहुत बहुत सहूलियत मिलेगी और सुविधा मिलेगा। इसलिए कोर्ट ने कह दिया है कि इसका सर्वे करें और इसको जो है इसका निर्णय करें कार्बोनेटरी। हाँ कि यह क्या है, वस्तुतः यह है यह शिवलिंग है या दूसरा कुछ है, क्योंकि वो लोग दूसरी बात बताते हैं। और वो सदियों से पूजा जिसकी की जाती थी, वो अब वस्तुतः वही शिव ज्ञान वापी में शिवलिंग ही था जो मिला है। और उसका जो कोर्ट ने निर्णय कर लिया है कि इसका परीक्षण हो जाए, परीक्षण से स्पष्ट हो जाएगा कि यह शिवलिंग है और इस यह हिंदुओं के लिए पूजनीय है, भगवान शंकर का वो स्वरूप है होता है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। लिंग का अर्थ होता है आकार, तो भगवान शिव के आकार की हम लोग पूजा करते हैं, उसका प्रमाण वह परीक्षण से हो जाएगा। इसलिए जो कोर्ट ने किया है, कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा एएसआई से सर्वे कराने के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है। जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में एएसआई द्वारा सर्वे ही प्रमाण साबित हुआ, उसी प्रकार काशी ज्ञानवापी के भी संदर्भ में यह मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा देश के संतों को विश्वास है। और हम यह आशा करते हैं कि बिना किसी हिला हवाली के और बगैर ज्योतिर्लिंग के छेड़छाड़ के यह सर्वे का कार्य पूर्ण होगा, और पूरा संत समाज इस बात से प्रसन्न है कि न्याय की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम और है।